दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल सोशल उद्यत पे। महत्वपूर्ण खबर से आप लोग को अवगत कराने वाला हूँ जो कि संसद से निकल के आ रही है। आप सभी को बता दें, संतोष गंगवारकर जी से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं संसद भवन में, जो कि EPS95 पेंशन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनसे रिलेटेड, जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। अति महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि पूरी और सटीक इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। और दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे के रेड बटन को प्रेस करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि भविष्य का आने वाला हमारा कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चंस हैं, उसके बाद मैं उसके आंसर दिखाऊंगा आप लोग को। जो संतोष गंगवारकर जी द्वारा जो है उत्तर दिया गया संसद में, उन्होंने क्या उत्तर दिया उसके बारे में भी पूरी चर्चा की जाएगी और पूरी जानकारी जो है आप लोग के साथ साझा की जाएगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। क्या सरकार ने कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2020 को संशोधित और पुनर्स्थापित किया है? यदि हाँ तो तथा संबंधित जो है ब्यौरा क्या है? क्वेश्चंस पूछे गए हैं संसद में और मंत्री महोदय को जो है इसके बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। वर्तमान में EPS के तहत नामांकित कर्मचारियों की राज्य संघ और राज्यवार की संख्या कितनी है? विगत 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान EPS के तहत वितरित राशि का राज्य संघ क्षेत्र राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है? क्या सरकार EPS 1995 में आयुक्त संशोधनों के लिए इसके दोषों के संबंध में विभिन्न श्रमिक समूहों से कोई अभ्यादेदन शिकायत मिली है? यदि हाँ तो उक्त समस्या के संबंध में की गई सुधारात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है? यह प्रश्न पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं यह प्रश्न जो है पूछे गए हैं संसद में और इसका उत्तर दिया गया है जो कि श्रम और रोजगार मंत्रालय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है संतोष गंगवारकर जी द्वारा, उन्होंने उत्तर दिया इसका। उन्होंने बताया, अन्य बातों के साथ साथ न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने पर पेंशन संसारीकृत मूल्य की बहाली के संबंध में कर्मचारी पेंशन योजना EPS 1995 के संशोधनों के मुद्दे के साथ साथ मांगे उठाने वाले कर्मचारी पेंशन योजना EPS 1995 के व्यक्तिगत पेंशन धारकों के साथ साथ विभिन्न पेंशनधारी संगठनों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। मतलब बहुत सारे जो है संगठन जो हैं प्रयास कर रहे हैं इसको बढ़ाने के लिए। उन्होंने आगे उत्तर दिया है, कर्मचारी संशोधन योजना 2020 के संबंध में डॉक्टर डी एन वी सेंथिल कुमार एस कुलदीप राय शर्मा, डॉक्टर सुभाष राव भामरे, डॉक्टर अनमोल सिंह और श्रीमती सुप्रिया सूले और श्रीमती श्रीनिवास पाटिल द्वारा पूछे गए दिनांक 16/3/2020 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा आंतरिक प्रश्न संख्या जो है 3518 भाग जो है क और घ का उत्तर जो है इस पे संदर्भित किया गया है। EPS 95 अंतर्गत नामांकित कर्मचारियों की संख्या राज्य संघ व राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने EPS 95 सदस्यों की संख्या है। तो हम कुछ राज्य के हिसाब से देखेंगे, जैसे कि हम देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार जो राज्य द्वीप समूह है वहाँ पर करीब 46,099 जो है EPS 95 पेंशनर्स हैं। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश की बात की गई है, यहाँ पर करीब 48,94,239 जो है EPS 95 संख्या है। और उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं जिस स्टेट की जितना अधिक जो है उसका क्षेत्रफल है उस हिसाब से पेंशनर्स की संख्या भी अधिक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद आप देख सकते हैं असम में क्या स्थिति है, वहाँ पर भी करीब 10 लाख के करीब है। बिहार में 18 लाख के करीब है, चंडीगढ़ में 27 लाख के करीब है, छत्तीसगढ़ में 21 लाख के करीब है और इसी प्रकार दिल्ली में करीब 1 करोड़ के आसपास हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसी प्रकार गोवा में देखिए तो यहाँ पर 15 लाख के आसपास है, गुजरात में आप देख सकते हैं कि 1,89,00,000 के आसपास है। उसी प्रकार हरियाणा में भी अगर आप देखें तो 1,88,00,000 के आसपास पहुँच गए हैं संख्या यहाँ पर। और सदस्यों की जो संख्या है, हिमाचल है, झारखंड है, केरल है, मध्य प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है, नागालैंड है, उड़ीसा है, पंजाब है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, त्रिपुरा है, उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल करीब के 30 जो पूरे राज्य हैं इसमें 30 राज्यों का पूरा डिस्ट्रिक्ट अरे पूरा जो है स्टेट लेवल का जो ब्यौरा यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने EPS 95 पेंशनर्स कहाँ पर उपस्थित हैं
और यह जो है जवाब संसद में जो है मंत्री जी स्वतंत्र प्रभार जो है संतोष गंगवारकर जी द्वारा ये डेटा जो है प्राप्त किया गया है, उनके द्वारा दिया गया है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि EPS 95 1995 के अंतर्गत वितरित धनराशि रुपयों का राज्य संघ एवं क्षेत्रवार ब्यौरा भी दिया गया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितना वितरित हुआ है अमाउंट वो भी बताया गया है, राज्यवार या संघवार या क्षेत्रवार। उसी प्रकार 2017-18 में कितना गया है, 2018-19 में कितना है, 2019-20 में कितना जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो द्वीप समूह जैसे अंडमान निकोबार का हम देखते हैं तो आपको यहाँ पर किन्हीं किन्हीं राज्यों का आपको इसमें अमाउंट जो है बढ़ता और घटता हुआ अगर क्रम में आपको देखेगा, कहीं पर जो है बढ़ रहा है तो कहीं पर पिछले के कंपेयर में वो घट रहा है। जैसे यहाँ पर 18 है तो यहाँ पर 17 के करीब हो जा रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 10 था 2017-18, फिर 14 हुआ है, अब 14 ही चल रहा है। और इसी प्रकार आप यहाँ पर देखिए 77 है, फिर 93 हुआ, अब 88 है, 16 है, 18 है, फिर 16 हो गया है, तो उसी क्रम में वो घट रहा है और बढ़ रहा है। इसी प्रकार हम देख रहे हैं ये पूरे राज्यों का है, चाहे अगर बात कर लें यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, आंध्र प्रदेश हो, अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, बिहार है, चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, गोवा है, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, कर्नाटक है, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के टोटल जो है यहाँ पर संख्या 30 के 30 की बता रखा गया है कि 2017-18 में, 2018-19 में, 2019-20 में कितने अमाउंट जो है वितरण के कितनी धनराशि जो है स्पेसिफिक राज्य को दिया गया है, ये आपने यहाँ पर ये चीज़ देखा। हालांकि मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि इससे पहले भी कई बार जो है संसद में इस तरह के डेटा जो है सौंपे गए हैं और रिपोर्ट जो है मांगे गए हैं, लेकिन संसद में अभी तक किसी प्रकार का जो है क्रियान्वयन पेंशन बढ़ाने के लिए नहीं किया गया है। पेंशन से जुड़ा हुआ एक अन्य मुद्दा भी निकल के आ रहा है, पेंशन से जुड़ा हुआ एक अन्य जो है खबर है जो कि निजी क्षेत्र के पेंशनर्स हैं, वो भी मैं आप लोगों के इस वीडियो के माध्यम से साझा कर देता हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है ये भी। आप देख सकते हैं कि सरकार, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ, राज्यसभा, ये क्वेश्चन पूछा गया था और आंतरिक प्रश्न है इसमें करीब 26-3 के करीब प्रश्न संख्या है, 26-3 है, और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 17 मार्च 2020 यानी हम 27 फाल्गुन 1941 को दिया गया है निजी क्षेत्र में न्यूनतम पेंशन की बात की जा रही है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है 26-3 यहाँ पर पूछा गया था प्रोफेसर जो है मनोज कुमार झा जी द्वारा, और उन्होंने जो प्रश्न किया था क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, क्वेश्चन है उनके, और क्वेश्चन नंबर अगर की बात की जाए तो क्या निजी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को न्यूनतम पेंशन देने के संबंध में कोई सीमा निर्धारित की गई है, यदि हाँ तो तथाकथित ब्यौरा क्या है। और उसी प्रकार उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा था क्या सरकार उक्त सीमा को बढ़ाने और ऐसी निजी क्षेत्र के लिए मौजूदा पेंशन योजना की समीक्षा भी करने का विचार कर रही है, यदि हाँ तो तथा संबंधित जो है ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो उसके पीछे क्या कारण है या इसका क्या कारण है, इस विषय में पूछा गया है। और ग जो प्रश्न पूछा गया इसे क्या ऐसे पेंशन भोगियों पर महंगाई भत्ता भी लागू है, यदि हाँ तो तथा संबंधित जो है ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है, और क्या सरकार नई पेंशन योजना में शामिल होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों के कर्मचारियों को सक्षम बनाने के लिए नियमों में छूट देने का विचार कर रहे हैं, यदि हाँ तो तथा संबंधित ब्यौरा क्या है, तो यह पूछा गया था। इसके ऊपर आपको बताते हैं कि वित्त मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं, वित्त मंत्रालय में जो राज्य मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर है अगर आपको पता हो, तो उन्होंने इस पर जवाब दिया है, और उस पर जो जवाब दिया है कि इसमें देखिए यहाँ पर कर्मचारी पेंशन योजना या 1995 की बात की जा रही है, जैसा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है। यहाँ पर आप देखिए कर्मचारी पेंशन योजना EPS 1995 के अंतर्गत व्यापक मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजटीय सहायता उपलब्ध करा कर दिनांक 1/9/2014 से न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया है। वर्तमान में EPS 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया गया। यहाँ पर क्लियरली स्पष्ट यहाँ पर ये बात कही गई है कि 1995 में किसी प्रकार का इंक्रीमेंट का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। जैसा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है कि EPS 1995 के अंतर्गत महंगाई भत्ता देने का प्रावधान नहीं है, तो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि किसी भी प्रकार का DA जो है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है EPS 95 पेंशनर्स के लिए। यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी इस चीज़ को बता चुका है और यह वित्त मंत्रालय ने उस चीज़ को पूरी तरह से जो है
वही बात को यहाँ पर भी रख रहे हैं वो भी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस को 1 जनवरी 2004 से आरंभ किया गया था और केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों यानी सीपीएसई सहित सभी कॉरपोरेट्स नियोक्ता स्वैच्छिक आधार पर एनपीएस को अपना सकते हैं। लगभग 25 सीपीएसई ने अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अपनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यह पूरा वित्त मंत्रालय के द्वारा यह जो है डेटा प्रस्तुत किया गया, उन्होंने क्लियरली ये बातें कह रखी हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से चर्चा जो है EPS95 पेंशनर्स का संसद में किया गया है विभिन्न मंत्रालय के द्वारा, चाहे वो वित्त मंत्रालय रहा हो, चाहे वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय रहा हो, तो उनके द्वारा यह जवाब दिया गया जो कि मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपने राय अवश्य ही हमें कमेंट में दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइएगा, शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा। आज फिर मिलते हैं आपसे किसी नए अपडेट नई जानकारी में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।